हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आंसर राइटिंग करने वाले हैं मैनेजर और लीडर को लेके। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग मैनेजर एंड लीडर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो बेटा, हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? जितने लोग भी हैं प्रेजेंट, जरा हेलो बोल दीजिए। मुझे लग रहा है ज़्यादा लोग हैं नहीं है। चलिए कोई बात, नॉट एन इशू, स्टिल वी विल कंटिन्यू। सो ये अभी 2017 में ये सवाल पूछा गया था बेटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से बेटा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से ये वाला सवाल पूछा गया है। एंड ये सवाल क्या है? लीडर्स डू द राइट थिंग्स, मैनेजर्स डू देम राइटली। ठीक है ना? हाँ, लीडर्स डू द राइट थिंग्स, इसका क्या मतलब है? अब ये वैरन बेनिस ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, और वैरन बेनिस आपको पता होना चाहिए ये कंटिंजेंसी वाले थिंकर हैं। ये कंटिंजेंसी वाले थिंकर है वैरन बेनिस। और जो लीडर होता है ना, जो लीडर होता है उसका बेसिकली फोकस क्या होता है? लीडर का बेटा बेसिकली फोकस होता है टू डू द राइट थिंग्स। कहने का ये मतलब है वो सिचुएशन वाइज लीडर चेंज कर लेता अपने आप को। जो लीडर होता है बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर वो अपने आप को अलग तरीके से एग्जिबिट करता है। सबसे पहला, व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बॉटम अप कम्युनिकेशन अलाउ करता है वो, पार्टिसिपेशन अलाउ करता है, डिसीजन मेकिंग, वो शेयर्ड लीडरशिप में विश्वास रखता है। ठीक है ना? वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में विश्वास रखता है। ठीक है ना? शेयर्ड विजन में विश्वास रखता है जो लीडर होता है। तो लीडर्स हमेशा सही चीज़ें करते हैं, रिजिड नहीं रहते हैं, रूल ओरिएंटेशन में नहीं रहते हैं। हाँ, उनका बेसिक फोकस रहता है गोल ओरिएंटेशन, एंड साथ में एम्प्लॉइज को एम्पावर करने का भी उनका जिम्मेदारी रहता है। बट वेन इट कम्स टू मैनेजर्स, मैनेजर्स डू देम राइटली, ये जो शब्द है ना बेटा डू देम राइटली, ये तीन शब्द जो है डू देम राइटली, इनका बेसिकली मतलब क्या है कि मैनेजर्स फोकस करते हैं रूल के ऊपर, रूल के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है ना? रेगुलेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैनेजर्स का फोकस रहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट दिस। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना? ये आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। नाउ अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इस बार अनअकैडमी के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स रहे हैं। गामिनी सिंगला फ्रॉम चंडीगढ़, शी एज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3। ऐश्वर्या वर्मा है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4। तो ये कुछ खासियत है अनअकैडमी की। वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिल जाता आपको, एलिजिबिलिटी टू चेंज कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, हाँ, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव मेंटरशिप, एंड टू एंड प्रिपरेशन, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाते हैं बेटा। ठीक है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। 6 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा अनबॉक्स के मतलब ऑफर के द्वारा। आज इसका लास्ट डे है, आज 15 जून है। आप कोड यूज कर सकते हैं बेटा जी राजपूत, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है ना? तो ये जो है बैचेस, आने वाले बैचेस हैं, सो दीज आर अपकमिंग बायलिंगुअल बैचेस, ये 15 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इन बैचेस में आप अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है ना? प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी बैच चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेटा। अगर आपको ज्वाइन करना है सो यू मस्ट ज्वाइन दिस, सो दिस इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है ना? हाँ, तो प्लस गेट स्टार्टेड विद 0% EMI। आप गुंजन के साथ गेट इन टच विद गुंजन, तो गुंजन का बेटा नंबर है 8700022064। ठीक है ना? तो ये गुंजन का नंबर है। सो दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।